हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है यूई और आप देख रहे हैं इनसाइड द यूनिवर्सल वर्ल्ड। दोस्तों, अच्छा खासा बारिश का मौसम चल रहा है तो कहीं पे लगा मुझे आज आपसे लोगों से बात करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक टेक न्यूज अच्छे अच्छे फोन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वक्त गवाए खास आपके लिए। सैमसंग ने तो अपना F41 फोन लॉन्च कर ही दिया है, पर भाई सैमसंग है वो वहां इसी फोन के ऊपर थोड़ी रुकने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सैमसंग ने एक और लीक कर दिया है कि उसका एक सस्ता बजट स्मार्टफोन लोगों के लिए वो लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है सैमसंग M02 और A02। जी हाँ दोस्तों, ये कम बजट वाला स्मार्टफोन होगा, जहाँ इस फोन के अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इस फोन में होने वाला है स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, अगर इस वेरिएंट की अगर बात करते हैं तो इसको इसमें आपको मिल जाएगा 2GB 32GB वेरिएंट का। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सैमसंग डिस्प्ले के बारे में तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा ही होता है। सिर्फ इजी फोन में आपको मिल जाएगा 5.7 इंच का LCD डिस्प्ले और 3500 की mAh बैटरी, जो अच्छा खासा आपको कम बजट में पैकेज मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कैमरे के सेटअप की अगर बात करते हैं, इसमें आपको ड्यूअल कैमरा सेट मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और सेल्फी में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। जी हाँ दोस्तों, इस फोन की अगर बात करते हैं, ये फोन को आप गीकबेंच के ऊपर शो हो चुका है, इसका स्पेसिफिकेशन में लीक हो चुके हैं। अब सैमसंग के फोन के स्पेसिफिकेशन लीक हो चुके हैं, मतलब पॉसिबल है वो ज्यादा सच होते हैं। तो दोस्तों, गीकबेंच के ऊपर इस फोन को सिंगल स्कोर 751 मिल चुका है और मल्टी स्कोर 3894 मिल चुका है। तो दोस्तों, ये फोन बहुत अच्छा खासा फोन होने वाला, और कम से कम जिसका बजट 8500 और 10000 के बीच में है तो ये फोन उसके लिए एक बच्चा क्या पैकेज हो सकता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो सुना होगा कि सैमसंग की S20 सीरीज बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है, और सच में ये है भी, क्योंकि एक बेस्ट बजट फ्लैगशिप फोन सैमसंग S20 सीरीज सही बैठती है और उसमें एक बेस्ट बजट लेवल का फोन के फीचर्स भी सही आते हैं। पर कंपनी का यह भी दावा है दोस्तों, उन्होंने एक भी S20 सीरीज की एक सक्सेसफुल सीरीज वो लॉन्च करने जा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सुनने में तो ये आ रहा है कि S21 सीरीज वो आने वाले नए साल में या दिसंबर तक वो लॉन्च कर सकते हैं। अगर हम S21 सीरीज की अगर बात करते हैं तो उसमें भी S20 सीरीज की जैसे ही आपको 3 वेरिएंट मिल सकते हैं, जैसे कि S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा विथ 5G। जी हाँ दोस्तों, अगर इस फोन की अगर हम स्पेसिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें कंपनी आपको दे सकती है 108 मेगापिक्सल का पेंटा कैमरा सेटअप। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये 108 मेगापिक्सल जो पेंटा कैमरा सेटअप कंपनी इस फोन में देने जा रही है, और सच में ये बेस्ट बजट फ्लैगशिप फोन होने वाला है। अगर उसके दूसरे स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको 120 एंड 144 रिफ्रेश रेट आपको मिल सकता है देखने को। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हालांकि देखा जाए तो 90Hz रिफ्रेश रेट और 120Hz रिफ्रेश रेट इसमें बहुत ही बेस्ट एक स्मूथिंग एक्सपीरियंस आपको सैमसंग के फ़ोन में देखने को मिल सकता है। अगर इसके डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आपको डिस्प्ले की एक सुपर एमोलेड और बेस्ट डिस्प्ले आपको सैमसंग में तो मिल ही जाएगा। अगर आप तीसरे स्पेसिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का सपोर्ट इतना बेस्ट मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि इसमें आपको 8K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलने वाला है दोस्तों। जी हाँ, अब देखा जाए तो 8K रिकॉर्डिंग आप बेस्ट एक्सपीरियंस ले सकते हो इस रिकॉर्डिंग के बारे में। और दूसरी बात देखिए दोस्तों, यहाँ पे 144 रिफ्रेश तो आपको मिल रहा है, साथ में आपको 1440 मतलब 1440 आप सब पिक्चर रिजोल्यूशन भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना। अब देखा जाए तो आप रिकॉर्डिंग के साथ आप
240 FPS के साथ आप 1080p का आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके साथ आप 120 FPS के साथ आप 4K रिकॉर्डिंग ले सकते हो, और साथ में आप 30 FPS के साथ 8K रिकॉर्डिंग भी शूट कर सकते हो। अगर हम इसके प्रोसेसर की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको दिख सकता है स्नैपड्रैगन का 875 प्रोसेसर या फिर खुद का सैमसंग का एक्जीनोस 2100। और बैटरी बैकअप की अगर बात करते हैं इसमें आपको मिल सकता है 5000 mAh की विद 65W सुपर चार्जिंग। तो हमारी अगली टेक न्यूज है Xiaomi की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, Xiaomi ने अपना Redmi Smart TV S65 लॉन्च कर दिया है दोस्तों, और वो भी ड्यूल स्पीकर और HDR सपोर्ट के साथ। अगर हम इसके फीचर्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है 4 कोर A53 प्रोसेसर और 1.5 GB रैम, मतलब 1.5 GB रैम आपको, और 8 GB इन बिल्ड स्टोरेज आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम इसकी यूजर इंटरफेस की अगर बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको HDMI सपोर्ट, USB नेटवर्क केबल इंटरफेस, AV इनपुट एंड आउटपुट इंटरफेस, इंटरनेट इंटरफेस और SPDIF आपका सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। अगर इसके हम प्राइस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2400 युआन का आपको पेड करना पड़ेगा, मतलब करीब करीब आपको 28500 में आपको ये टीवी मिल जाएगा। और दोस्तों हमारी अगली और लास्ट टेक न्यूज है Realme ब्रांड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, Realme का एक दो नए फोन Geekbench के ऊपर बेंचमार्किंग हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एक Q2 एंड Q2 Pro ये दो फोन Realme की तरफ से लॉन्च होने जा रहे हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 800U जो 800 का लाइटर वर्जन है दोस्तों। अगर इसके स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं Q2 एंड Q2 Pro, जहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आपको 48 MP प्लस 8 MP प्लस 2+2 MP का आपको कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। अगर बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4200 mAh की बैटरी आपको मिल सकता है। और इसके वेरिएंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 8 GB और 12 GB वेरिएंट के साथ ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी टेक न्यूज़ कैसी लगी, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा दोस्तों, लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपको हमारी टेक न्यूज़ कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और अच्छे अच्छे टेक न्यूज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं हम ऐसे ही अगले टॉपिक के ऊपर ऐसे ही एक टेक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम, जय हिंद। Every single day.